बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपके कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2.15 तक कर लिए थे। अभी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2.16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2.16 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसको आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है पहले, उसके बाद आपको आंसर उसका सॉल्व करना, वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हमारे पास दो शिप्स हैं एक्स एंड वाई। हमारे पास दो शिप्स हैं एक्स एंड वाई। जो एक्स की एक्चुअल डायरेक्शन है स्टूडेंट, आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि हम कैसे ड्रा करते हैं। स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ होता है, इधर हमारे पास साउथ होता है, इधर स्टूडेंट वेस्ट होता है और इधर हमारे पास ईस्ट होता है। तो वो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स की एक्चुअल डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, लेकिन जब अगर आप वाई के ऊपर से देखें, अगर वाई शेप के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो उसे देखें, तो उसे ऐसे लगेगा कि आपका जो एक्स शेप है वो नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है। आप बताएं कि वाई जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा कि एक्स की शिप की डायरेक्शन नॉर्थ में है, वाई ऑब्जर्वर वाई के ऊपर अगर जो ऑब्जर्वर रह जाए, जो वाई शिप के ऊपर बंदा है वो अगर उसे देखे, तो उसे ऐसे लगेगा कि जो एक्स शिप है वो नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रही है। एक्स भी मूव कर रहा है और वाई भी मूव कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो आपने वाई की डायरेक्शन बतानी है। तो स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि लेट वी एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स शिप, कि आपकी जो वेलोसिटी है एक्स शिप की उसको हमने कह दिया वी एक्स, और जो वेलोसिटी है वाई शिप की उसको हमने कह दिया वी वाई। अब जो वेलोसिटी ऑफ एक्स शिप है रिलेटिव टू शिप वाई, कि जो एक्स शिप को जो वाई शिप के ऊपर जो ऑब्जर्वर है उसको जो एक्स शिप की वेलोसिटी नज़र आ रही है उसको मैं उसके मुताबिक जो है वो है वी एक्स माइनस वी वाई, उसको हमने कह दिया वी एक्स माइनस वी वाई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने देखना है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है। तो गिवन स्टूडेंट ये है कि जो वी एक्स है वो हमारे पास नॉर्थ की तरफ है, यानी अपवर्ड है। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वी एक्स है, ये हमारे पास वी एक्स है। अब स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में जो दूसरी चीज़ गिवन है कि जो वेलोसिटी ऑफ एक्स है विद रिस्पेक्ट टू जो शिप वाई है, उसकी जो एक्स शिप की वेलोसिटी है वाई शिप के ऊपर जो ऑब्जर्वर है वो जो उसे नोट करता है वो ये है कि वो आपकी वेलोसिटी नॉर्थ ईस्ट की जानेब है, वो वेलोसिटी आपकी नॉर्थ ईस्ट की जानेब है। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास ये वेलोसिटी है, हमने इसको ले लिया वी एक्स माइनस वी वाई, कि वी एक्स माइनस वी वाई किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, और वी एक्स आपके पास किस डायरेक्शन में है, आपके पास नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो इन दोनों को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया। अब स्टूडेंट, वेक्टर एडिशन क्या, हेड टू टेल रूल क्या होता है, कि एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, और फिर इस तरह करते करते जितने भी वेक्टर्स ऐड करने हो उन सबको आप ऐड करते हो, और जो उसका रिजल्टेंट होता है या उसका आंसर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट की टेल से लेकर लास्ट के हेड तक। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, ये सेकंड वेक्टर आ गया। तो वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमारे पास क्या है, इस पॉइंट को अगर ए लें तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ ए हमने क्या लिया था स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी ऑफ एक्स शिप। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स शिप हमारे पास क्या है, वी एक्स। तो वी एक्स आ गया प्लस ए बी एज इट इज आ गया। अब इस डायरेक्शन में हमारे पास स्टूडेंट क्या थी, वेलोसिटी ऑफ एक्स शिप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑफ वाई, तो वो हमारे पास क्या थी, वी एक्स माइनस वी आई वी वाई, तो वो हमने इधर पुट कर दी। वी एक्स को स्टूडेंट अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास क्या है, वी एक्स और वी एक्स आपस में माइनस हो जाएंगे या कट जाएंगे। तो पीछे हमारे पास जो स्टूडेंट चीज़ बचेगी वो बचेगी ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वाई। अब स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए बी की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट की जानेब, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो माइनस वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, माइनस वी वाई की, और हमने फाइंड क्या करनी है, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ वी वाई। तो वी वाई की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ ए बी है, यानी ए बी की अपोजिट साइड पे है, तो ए बी की डायरेक्शन क्यों ईस्ट में है, तो वी वाई की डायरेक्शन आपकी वेस्ट में होगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा कि जो ए जो वी वाई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट की जानेब होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में वो कहता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरह की, उसके ऊपर एक पॉइंट है पी, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली एक फोर्स एफ लग रही है। आपने ये बताना है कि इसकी सरफेस और अपवर्ड जो फोर्स है वो कितनी लगेगी। तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इसका फोर्स है इसके ऊपर जो सारी टोटल लगने वाली फोर्स वो आपने उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपने उसको डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है, एक तो वो फोर्स है पॉइंट के ऊपर जो हम इसकी इसके ऊपर लगा रहे हैं, और दूसरी जो फोर्स है वो इसका
वेट है जो कि डाउनवर्ड लग रहा होता है। तो वेट हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा होता है, जो हमारे पास क्या होता है एम जी, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब स्टूडेंट इसको हमने क्या करना है, इसको हम फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो फोर्स को एक्सटेंड कर लिया इधर, अब हमारे पास इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट बनेगा एक ये कंपोनेंट बनेगा। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि थीटा हमारे पास इधर बन रहा है, अब थीटा हमारे पास इधर बन रहा है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है वो हमें पता है कि वो हमारे पास साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो परपेंडिकुलर की, इसके परपेंडिकुलर कौन सा है स्टूडेंट, फोर्स के जो थीटा के सामने जो आपका एंगल आ रहा है, साइड आ रही है, वो कौन सी है, ये वाली। तो ये हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा वो एफ साइन ऑफ थीटा बनेगा। और जो स्टूडेंट आपको पता है जिसके ऊपर थीटा बन रहा होता है वो आपकी बेस होती है, और बेस वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है। तो स्टूडेंट ये वाला जो कंपोनेंट है वो एफ कॉस थीटा बन गया, ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन ऑफ थीटा बन गया। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, अब स्टूडेंट आगे क्या है हमारे पास, अब हमारे पास जो आगे आपके पास चीज़ है वो वेट है। तो वेट को आपने रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स के अंदर, वेट इस डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट, इसको कंपोनेंट्स में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ड्रा करेंगे तो एक यूं बनेगा एक यूं बनेगा, और एंगल स्टूडेंट आपका ये बनेगा। अब स्टूडेंट एंगल ये बन रहा है तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है स्टूडेंट, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये आपके पास बनेगा एम जी साइन ऑफ थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट आपने देखना है कि आपने फोर्स कौन सी बतानी है, आपने वो फोर्स बतानी है जो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लग रही हो, और उसकी सरफेस के ऊपर और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हो। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक स्टूडेंट फोर्स ये लग रही है एफ कॉस थीटा, लेकिन इसकी स्टूडेंट अपोजिट देखें तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है जो हमारे पास है एम जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट जो आपके पास नेट फोर्स बनेगी वो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। आप स्टूडेंट ये माइनस क्यों हमने लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि एम जी साइन थीटा की जो डायरेक्शन थी स्टूडेंट वो एफ कॉस थीटा के अपोजिट थी, इसलिए जो आपके पास टोटल फोर्स बनेगी वो बनेगी एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 में वो स्टूडेंट कहता है इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए वन एंड ए टू वर रिवर्स हाउ वुड द दिस अल्टर ए वन एंड ए टू। स्टूडेंट कहता है कि दो वेक्टर्स हैं ए वन और ए टू, अगर उनके सारे कंपोनेंट्स को आप रिवर्स कर दें तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो डायरेक्शन है उस क्रॉस प्रोडक्ट की ए वन और ए टू की वो कैसे चेंज होगी। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि जो डायरेक्शन ऑफ ए वन एंड ए टू है वो आपके पास चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी स्टूडेंट, इसलिए नहीं चेंज होगी क्योंकि हमें पता है कि ए वन क्रॉस ए टू हमारे पास जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी जो हमारे पास होता है, इसकी जब हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो इसकी डायरेक्शन जिस प्लेन के अंदर ए और बी हमारे पास हों, ये स्टूडेंट मैंने बार बार बताया था कि ए और बी जिस प्लेन के अंदर हों, लेट्स सपोज इस प्लेन के ऊपर हैं ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर ए इस, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी यूं। तो स्टूडेंट इस केस में भी यही है हमारे पास कि ए वन और ए टू के अगर हम सारे कंपोनेंट्स को रिवर्स भी कर दें तो भी वो रहेंगे तो उसी प्लेन के अंदर अगर स्टूडेंट रहेंगे तो उनकी जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही रहेगी और वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। किस तरीके से स्टूडेंट, अगर हम राइट हैंड रूल से देखें ए वन को अगर ए क्रॉस टू से करें और इस तरह अपवर्ड हमारे पास आएगा, इसी तरीके से जो माइनस ऑफ ए वन ओवर ए टू है इसको अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो स्टूडेंट हमारे पास ये, अगर इसको हम ए वन को अगर ए टू माइनस ऑफ ए टू को अगर ए वन की तरफ रोटेट करें तो ये भी हमारे पास डायरेक्शन इसकी भी स्टूडेंट क्या आएगी, अपवर्ड आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, अब स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि हमारे पास है क्या। स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि आप थ्री डिफरेंट कंडीशंस बताएं जिसमें आपके पास ए वन क्रॉस ए टू इज इक्वल टू जीरो हो, ऐसी तीन कंडीशंस बताएं जिसमें ए वन क्रॉस ए टू आपके पास जीरो हो।
तो इसकी जो स्टूडेंट कंडीशंस हैं वो आप देख लें, इफ ए वन एंड ए टू आर टू वेक्टर्स, अगर ए वन और ए टू अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हों, आर टू वेक्टर्स, अगर ए वन और ए टू हमारे पास क्या हों, दो वेक्टर्स हों, तो हमारे पास पता है आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर ए वन क्रॉस ए टू हम लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए वन का मैग्नीट्यूड ए टू का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट जो तीन कंडीशंस हैं जिनके मुताबिक ए वन और ए टू हमारे पास ज़ीरो देंगे, वो तीन जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो ये हैं कि या तो ए वन और ए टू की वैल्यू ज़ीरो हो, यानी कि ये नल वेक्टर हो, तो आपके पास कोई भी एंगल होगा तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि ए वन एंड ए टू, ए वन और ए टू इन दोनों में से अगर एक भी, ए वन हो या ए टू इन दोनों में से अगर एक भी अगर नल वेक्टर हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, इज नल वेक्टर। एक कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट ये हो गई। दूसरी जो कंडीशन है हमारे पास वो स्टूडेंट ये है कि ए वन एंड ए टू आर पैरेलल, ए वन एंड ए टू आर पैरेलल। अब इसका क्या मतलब स्टूडेंट, ए टू आर पैरेलल। अब स्टूडेंट जब आपके पास पैरेलल होंगे तो इट मींस कि थीटा आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू, जब पैरेलल हों तो थीटा हमारे पास होता है ज़ीरो। तो स्टूडेंट जब आप साइन थीटा के अंदर थीटा की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो ये हमारे पास साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, तो ज़ीरो आपके पास ए वन और ए टू से मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा। इसी तरीके से जो आपकी थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ए वन एंड ए टू आर, ए वन एंड ए टू आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मींस कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मींस कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी थीटा आपके पास क्या हो, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के अंदर जब हम साइन थीटा की वैल्यू जब 180 पुट करेंगे तो फिर भी हमारे पास साइन 180 जीरो होता है, जीरो ए वन ए टू से मल्टीप्लाई होकर इनको भी जीरो कर देगा, तो ए वन क्रॉस ए टू हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो स्टूडेंट जो तीन पॉसिबिलिटीज थी वो ये थी कि आपके पास ए वन जीरो हो, ए टू, ए वन की का मैग्नीट्यूड जीरो हो, ए टू का मैग्नीट्यूड जीरो हो, यानी दोनों नल वेक्टर हो, या आपके पास जो एंगल है इन दोनों के दरमियान वो या तो जीरो डिग्री हो, जीरो डिग्री होगा तब भी साइन जीरो आपको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो दे देगा, ए वन क्रॉस ए टू का आंसर, और अगर 180 डिग्री हो तब भी साइन 180 जीरो होता है, तो इस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके ए वन क्रॉस ए टू का आंसर जीरो दे देगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.18 था। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2.19। तो 2.19 स्टूडेंट आपका ट्रू फॉल्स है, उसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है वो आपके पास फॉल्स है, और उसकी जो रीजन है, उसकी रीजन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है, बिकॉज डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी मे मूव और रोटेट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास जो बॉडी होती है, इन बिकॉज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बॉडी मूव्स आर रोटेट, मूव भी कर सकती है रोटेट भी कर सकती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन ये था स्टूडेंट कि आपकी जो इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट इंप्लाइज दैट इट इज नीदर मूविंग नॉर रोटेटिंग। कि क्या अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो इसका ये मतलब है कि बॉडी ना तो मूव कर रही है ना रोटेट कर रही है। इसका आंसर है कि ये नहीं, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको पढ़ाया था कि बॉडी मूव और रोटेट, मूव या रोटेट करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपका पार्ट ए था। जो पार्ट बी है स्टूडेंट वो आपके पास है ट्रू, पार्ट बी ट्रू है, और उसकी जो रीजन है वो ये है, इन दिस केस फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड
एंड बॉडीज इज सेट टू बी इन ट्रांसलेशन इज सेटिस्फाइड एंड द बॉडी इज सेट टू बी body is said to be in translational equilibrium. जो question 19 का part B है उसके अंदर वो कहता है in translational equilibrium. इसके अंदर student वो कहता है कि आपकी एक if coplanar forces acting on a body from a close form a close polygon then the body is said to be in equilibrium. कहता है कि आपकी जो forces हैं आपके पास लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो एक क्लोज पॉलीगॉन अगर बना रही हो तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है. क्या ये आंसर ट्रू है या फॉल्स? तो स्टूडेंट इसका आंसर ट्रू है क्योंकि आपको पता है कि इस केस में आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस क्या आ रहा है? जीरो. समिशन ऑफ एफ आपके पास इस केस में क्या आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि सारी आपके पास एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है. जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है वो इस उसको स्टूडेंट इसको ये कैंसिल करती है, इसको ये कैंसिल करती है और इसको ये कैंसिल करती है. तो क्लोज पॉलीगॉन या क्लोज पाथ के अंदर आपको पता है वेक्टर सम वैसे भी जीरो होता है. तो समिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो है इस केस के अंदर. तो जब समिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है. और जब स्टूडेंट जब भी आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो तो इट मीन्स कि आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है. अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन 2.20. इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास एक पिक्चर सस्पेंड हुई है. स्टूडेंट पहले आप डायग्राम को समझ लें. स्टूडेंट एक हमारे पास पिक्चर है, ये लेट्स सपोज ये पिक्चर है और ये दो धागों से या दो स्ट्रिंग से हमने मिला के इसको बांधा हुआ है और आगे ये एक दीवार के साथ अटैच है. अब ये दो स्ट्रिंग्स हैं स्टूडेंट, इनकी वजह से ये दो स्ट्रिंग्स के अंदर क्या है हमारे पास? टेंशन फोर्स है. दोनों के अंदर आपके पास कौन सी क्या फोर्स है? टेंशन फोर्स है. अब स्टूडेंट इस टेंशन फोर्स को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास बेस कंपोनेंट है तो ये हमारे पास क्या आएगा? टी कॉस थीटा. इसी तरीके से ये बेस कंपोनेंट है ये भी टी कॉस थीटा आएगा हमारे पास और ये जो स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर है वो इसके भी टी साइन थीटा होगा, टी साइन थीटा और ये भी हमारे पास क्या होगा? टी साइन ऑफ थीटा. अब स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर. क्या है क्वेश्चन के अंदर? ये है स्टूडेंट कि अगर एक पिक्चर है उसको आपने वॉल के साथ सस्पेंड किए हुए विद टू स्ट्रिंग्स, शो बाय डायग्राम द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम. हमने ये ऐसा कोई केस करना है जिस केस के अंदर ये जो टेंशन है वो मिनिमम हो. तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? लेट इसका आंसर मैं आपको लिखवाता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ. लेट द पिक्चर इज सस्पेंडेड इज सस्पेंडेड फ्रॉम वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर. इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास पिक्चर है जो कि स्ट्रिंग्स के साथ आपने लगाई हुई है दीवार के साथ. रिजॉल्व द टेंशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स. अब टेंशन को आपने क्या करना है? टेंशन फोर्स आपके पास कोई वेक्टर है तो इसको आपने इसके कंपोनेंट्स के अंदर इसके इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर रिजॉल्व कर लेना है या उसके अंदर इसको ब्रेक कर लेना है टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है इस केस के अंदर? जो हमारे पास एफ की डायरेक्शन है वाई की डायरेक्शन में जो लगने वाली फोर्स है
वो जीरो है, क्योंकि जितनी अपवर्ड फोर्स लग रही है वो नीचे उतनी नीचे लग रही है, तब भी हमारे पास ये सस्पेंड हुई हुई है। तो सॉल्यूशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, तब भी ये हमारे पास स्टूडेंट, अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये अगर हमारे पास इधर होल्ड कर रहा है तो इट मींस क्या है कि जितनी फोर्स इसकी डाउनवर्ड लग रही है ग्रेविटी की वजह से, उतनी फोर्स मैंने इसको अपवर्ड लगा रहा हूँ, होल्ड किया हुआ है, इस वजह से ये रुका हुआ है। अगर डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा होती तो ये नीचे चला जाता, अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होती तो ये ऊपर चला जाता। अब हमारे पास अगर क्योंकि कुछ चीज़ सस्पेंडेड हो तो इट मींस कि उसके ऊपर अप और डाउनवर्ड जितनी फोर्स लग रही है वो इक्वल है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट अप साइड पर कौन सी फोर्स लग रही है, जो हमारे पास अपवर्ड लग रही है वो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। स्टूडेंट एक इसकी टेंशन है और एक इस वाली स्ट्रिंग की टेंशन है, तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा ये हमारे पास अपवर्ड लग रही है, और जो डाउनवर्ड लग रही है वो माइनस डब्ल्यू है, या आप इसको लिख सकते हैं वो हमारे पास, चलें आपको इस तरीके से लिख देता हूँ, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू की डायरेक्शन टेंशन के अपोजिट है। तो आपके पास ये क्या बना, टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है, आपने वो चीज़ फाइंड करनी है जब आपके पास टेंशन मिनिमम हो, तो आपने फाइंड टेंशन करनी है, तो टेंशन आपके पास आ जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टू साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, द टेंशन विल बी मिनिमम इफ साइन थीटा इज, आपके पास जब साइन थीटा आपके पास मैक्सिमम होगा तो तब ही आपके पास टेंशन मिनिमम होगी, क्योंकि साइन थीटा डिवाइड में है स्टूडेंट्स। तो आपके पास टेंशन इज मिनिमम, टेंशन इज मिनिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम, व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और आपको स्टूडेंट पता है कि साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है साइन थीटा इज मैक्सिमम, आपके पास मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, कब वन होती है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आप साइन 90 पुट करते हो, थीटा को 90 पुट करते हो, तो साइन 90 इज इक्वल टू वन आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है। इट मींस कि आपके पास जो टेंशन की मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टेंशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय टू। दस द टेंशन विल बी मिनिमम इफ स्ट्रिंग्स आर वर्टिकल, इसलिए आपने दस टेंशन विल बी मिनिमम, आपकी टेंशन कब मिनिमम होगी, विल बी मिनिमम इफ स्ट्रिंग्स आर वर्टिकल, इफ स्ट्रिंग्स आर वर्टिकल, आर वर्टिकल, जब आपकी ये स्ट्रिंग्स हैं जो इसको आप वर्टिकल लगाओगे, इनके दरमियान टेंशन के दरमियान इसका एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री आएगा। लेट्स सपोज ये आपके पास वाल है, तो इसके ऊपर आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो इस तरीके से लगी हुई होंगी, तो उस केस में आपकी जो टेंशन है वो मिनिमम होगी, इस केस में आपके पास जो टेंशन है वो मिनिमम होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रही होगी, अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप नोट्स के लिए कह सकते हैं अगर आपको कोई नोट्स रिक्वायर्ड हो। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो आपकी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर वो आपको इस वीडियो लेक्चर में नहीं करवाई, अगर आपको उनमें से किसी में से कोई एग्जाम्पल करनी हो तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट 2.21 जो है आपका वो प्रॉब्लम है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट, क्या आपकी जो बॉडी है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड रोटेट कर सकती है। तो इसका आंसर आप पहले लिख लें फिर आप एक्सप्लेन करता हूँ। नो इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, अब स्टूडेंट ये देखते हैं, इसकी जो रीजन है वो ये है कि इन दिस केस the line of action of force weight, जो line of action of force जो होती है उसको हम weight कहते हैं, passes through the pivot point, pivot point हमारे पास center of gravity होती है स्टूडेंट्स, पिवट पॉइंट
इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो द मोमेंट आर्म बिकम्स जीरो, सो द मोमेंट आर्म बिकम्स जीरो। और हमें पता है स्टूडेंट कि जो टॉर्क होता है उसका फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ इफ एल इज इक्वल टू जीरो। अगर एल आपके पास जीरो है तो टॉर्क क्या होगा, जीरो इंटू एफ, तो टॉर्क भी आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट मींस कि आपकी बॉडी के अंदर रोटेशन नहीं हो रही। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से, स्पैनर की एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास ये नट पड़ा हुआ है और ये फोर्स है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था आपकी इधर फोर्स लग रही होती है, ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है, और ये हमारे पास पिवट पॉइंट, ये हमारे पास पिवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। हम इधर फोर्स लगाते हैं और रोटेशन इधर प्रोड्यूस होती है, और इनके दरमियान जो होता है ये हमारे पास मोमेंट आर्म आर या एल होता है। तो स्टूडेंट अगर फोर्स ही हमारे पास इधर लग रही हो, फोर्स ही हमारे पास इधर अगर लग रही हो, तो इन दोनों के दरमियान का जो पिवट पॉइंट और जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जीरो हो जाता है, और इन दोनों के दरमियान की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एल या मोमेंट आर्म। तो जब ये मोमेंट आर्म जीरो हो जाएगा तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो इट मींस कि बॉडी के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आके आपके चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। स्टूडेंट अगर आपको इनमें से कोई किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो स्टूडेंट्स आप ये चैनल सिंप्लीफाइंग फिजिक्स जो है इसको काइंडली प्रमोट करें, जिन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँची पहुँच रही उन तक पहुँचाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मिलते हैं हम आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।